ब्रेक से वापस आ गए हम, तो आए और मजीद लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुनीबा। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ। ओके चलिए जी, क्या शॉपिंग करने आई हैं? मैं एक सॉन्ग शेयर करूँगी। ओके शॉपिंग क्या की है आपने यहाँ से? शॉपिंग अपनी बेबी की है। ओके ठीक हो गया, चलिए जी। ओके मुझे बताएं कि वो कौन सा बर्ड है जो राइट और लेफ्ट अपनी आई बॉल नहीं घुमा सकता, वो अपनी पूरी गर्दन घुमाता है, इवन के पीछे तक घुमा सकता है? ऑल राइट आंसर। क्लैपिंग करें अपने लिए। क्या सुनाएंगे? सॉन्ग सुनाऊंगी। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लव कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश ना पानी ना वे पार। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लव कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश ना पानी ना वे पार। वे बुलिया साइया वे घुट घुट रोइया, जिवें आटे विच लून, जिवें आटे विच लून। असा नाजुक दिल दे लोग हाँ, साडा दिल ना यार दुखाया कर। दैट्स ऑल फिनिश। जबरदस्त ही लॉर्ड न्यूज़ की तरफ से आप मिलेंगे। थैंक यू। यू वेलकम जी। जी जरूर जी, बहुत अच्छी आवाज़ थी इनकी, हमें बड़ा मजा आया इनसे गाना सुना, किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मुस्तफ़ा। बेबी का नाम? मोहम्मद हादी। क्या उम्र इसकी? बेबी की या मेरी? बेबी की। बेबी की उम्र 1 ईयर। माशाल्लाह। चले जी, क्या शॉपिंग करने आए आप? हम बैठे हैं बेबी के जो है ना क्लॉथ्स वगैरह। ओके चले, मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है जी? मुझे बताएं आप कि वो कौन सा जानदार है जब वो बोलता है तो उसकी आवाज़ जो है वो 800 किलोमीटर दूर तक जाती है? 800 किलोमीटर दूर तक? आई थिंक सो कोयल। कोयल की कहाँ जाती है? 800 बब्बर शेर। यहाँ से इस्लामाबाद का रास्ता कितना है? यहाँ से इस्लामाबाद का रास्ता है 400 किलोमीटर। सोचें कितनी आवाज़ होगी उसकी, क्या शेयर करेंगे? आर्मी बिटन ओंकलो। आर्मी के मुताबिक मैं बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा आपको कि अभी जो मुल्क को बुहरान से आर्मी ने निकाला है, तो आर्मी को कभी भी, मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे जो आर्मी के मुताबिक गलत ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, तो आर्मी को अपना हमारी पाक आर्मी को अपना मराल डाउन नहीं करना चाहिए, उन्हें हमेशा डट कर मुकाबला करना चाहिए जिस तरह वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान आर्मी के पीछे हम सब और पूरी आवाम है, और ये आवाम का समंदर हमेशा पाकिस्तान आर्मी के शाना बशाना रहेगा। ये पाकिस्तान आर्मी को बजाय कि कोई भी ऐसी नेगेटिव बात करता है या ऐसी बात करता है, तो वो इन लोगों की या बरूनी ताकतों की एक साजिशें हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को हमेशा ऐसी साजिशों का डट कर मुकाबला करना चाहिए, ना कि इन जैसे लोगों की जो गलत बात करते हैं उनको मतलब महसूस करना चाहिए, बल्कि इन जैसे लोगों को इग्नोर करके सिर्फ पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करना चाहिए। जबरदस्त। लाहौर न्यूज की तरफ से आप कहेंगे। थैंक यू। यू वेलकम जी। इन्होंने जो है वो बहुत अच्छा मैसेज दिया, और हमें अपनी आर्मी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए उसकी आर्मी जो होती है वो एक सबसे मजबूत और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और हिस्सा होता है। एंड आई रिस्पेक्ट माई आर्मी एंड यू ऑल शुड रिस्पेक्ट योर आर्मी। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद अली है। क्या करते हो? मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिंग करता हूँ और स्कल्पचर। पेंटिंग करते हो? वाओ वेरी नाइस। पहले भी लाहौर टीवी पे इंटरव्यू हो चुका है, दुनिया न्यूज़ पे भी हो चुका है। अच्छा, तो अभी कोई है आपके पास पेंटिंग आपकी बनाई हुई? मेरा आपका कोई पेज है? हाँ जी, मेरा पेज है। क्या नाम है उसका? अहमद अली सादिक के नाम से। अहमद अली सादिक। तो आप ऑर्डर पे भी बनाते हैं? हाँ जी, मैं ऑर्डर पे भी बनाता हूँ। चले गुड हो गया, अहमद अली सादिक राइट। चले जरूर आप लोग भी इनका जो पेज है वो विजिट करिएगा, ताकि आप लोगों को भी अच्छी अच्छी पेंटिंग जो है वो मिल सके। चले जी, मुझे ये बता दें आप कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इतनी सी होती है हड्डी, सबसे छोटी शोल्डर से लेके हेड तक। आपके शोल्डर से लेके हेड इधर ही है कहीं? शोल्डर आई थिंक दांत तो नहीं? दांत हड्डी है नहीं? मैंने तो तुक्का लगाया।
मतलब तुक्का हो गया। इसके अलावा तो मुझे तो पता नहीं क्या शेयर करो क्या। मैं कोई शेर सुना दूं अब जो ने लिया कलाम सुनाना था। अच्छा बुल्ले शाह का। हाँ चले शाम में देखो। बुल्ले शाह फरमाते के तस्बी फिरी पर दिल ना फिरया, की लैना तस्बी हथ फड़ के चिल्ले कीते पर रब ना मिलया, की लैना चिल्लिया विच वड़ के जाग बिना दुध नहीं जमदे बाहु पावे लाल होवन कड़ कड़ के। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गए। थैंक यू जी। इन्होंने जो है वो बहुत अच्छा कलाम सुनाया। और किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? रुबीना। तो बहुत प्यारा नाम है। क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ। ओके मुझे बताएं दुल्हन को ब्राइड कहते हैं राइट? जी। क्यों? उसके लफ्जी मायने क्या है ब्राइड के? ब्राइड के तो नहीं, मैं तो मैसेज अपने हिसाब से देने आई हूँ। हाँ नहीं, वैसे सवाल का क्या है, ब्राइड के क्या लफ्जी मायने, आपका क्या गेस है? दुल्हन चले जी। क्या शेयर करेंगे? शेयर ये करेंगे कि एज अ मदर बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको अच्छी तरबियत दें, उन्हें हर चीज़ से अवेयर करें ताकि आने वाले टाइम को, अपनी ज़िंदगी को अपने ससुराल के साथ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, और उनको रिस्पेक्ट भी दें, और जो माँ बाप ने पढ़ाया हो उसको ज़ाया ना करें, उसको अपने सही तरीके से मैनेज करके उनके काम आए। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए थैंक यू। यू वेलकम जी। इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। मैं भी प्लीज़ इस पर कहती हूँ, जो माँ बाप बच्चों को कहते हैं, लड़कियों को, कि लड़कियाँ हैं जो वो ना पढ़ें ना वो बाहर जॉब करें, प्लीज़ ऐसा ना करें। आप ख़ुद अपने बच्चों को जो है वो आप कहते हैं ना स्पॉइल कर रहे हैं। एक लड़की है उसको भी उतना ही राइट है खुश रहने का, काम करने का, जितना एक लड़के को राइट है काम। हाँ पर हर चीज़ की एक लिमिट होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये नहीं मैं कहूँगी कि 15, 16, 18 साल की लड़कियाँ जो कहेंगे हमने काम करना है या लड़के कहें। फर्स्ट टेक योर एजुकेशन, फर्स्ट कंप्लीट योर एजुकेशन, पढ़ाई करें, मुकम्मल करें। मुझे इतने मैसेज आते हैं सोशल मीडिया पे, मैम हमने भी टीवी में आना है, हमने मीडिया में आना है। तो मैं उनको ये कहती हूँ, बेटा मैंने पूरी स्टडी की है, माशाल्लाह अच्छी खासी मैंने पढ़ाई की है। मैम अभी भी आप देखें कि इतनी पढ़ाई करने के बाद मैं आई हूँ, माशाल्लाह आज मैं कितनी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देती हूँ, कितनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, स्टिल मैं फ़ौरन एक बाहर के मुल्क से एक और डिग्री जो है वो लेने लगी हूँ। तो पढ़ाई जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो प्लीज़ अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, आपकी वाइफ को, औरत कोई भी हो, उसको पढ़ाई से पीछे ना करें, ज़रूर पढ़ाएं। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बशरा अदन। आपका नाम? अदन ज़िया। आपका नाम? पुष्पाला। कौन सी क्लास में आप? वन ऑरेंज। आप क्या करते हैं? मैं एक्सियन हूँ इरिगेशन डिपार्टमेंट में। क्या आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ। चले मुझे ये बता दें कि वो कौन, किस मुल्क की लड़की थी जिसने आईफल टावर से शादी की थी? क्या शेयर करेंगे आप? ये रेड लाइट, रेड लाइट, व्हाट डू यू से? आई से स्टॉप एंड स्टॉप राइट अवे। येलो लाइट, येलो लाइट, व्हाट डू यू से? आई से स्टार्ट एंड स्टार्ट राइट अवे। ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट, व्हाट डू यू से? आई से गो एंड गो राइट अवे। Thank you, red, red, yellow, green, now I, now I, traffic lights, green. Wow. Very nice. Sir, आपका शेयर करें? मैं कुछ भी नहीं, छोटा सा टोटका है। आजकल सर्दियों का मौसम है तो चिकन को फ्रीज हुआ हुआ होता है, आप उसको बाहर निकालें और उसके अंदर पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डालें चुटकी, तो 5 to 10 minutes के अंदर आपका चिकन बिल्कुल खुल जाएगा। जी। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया, टोट का ये तो बड़ा अच्छा आइडिया दिया आपने। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक थैंक यू।
جی انہوں نے ایک بڑی جو کام کی بات بتائی کہ سردی ہے تو جو فریزر وغیرہ ہیں وہ مزید اور زیادہ سالڈ کر دیتے ہیں کسی بھی چیز کو, تو جو آپ کا چکن ہے اگر آپ تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے ایک پانی میں ڈال کے تو وہ اس کو کھول دے گا. دس از ون آف دا ویری نائس ٹپ آئی تھنک, مجھے لگتا ہے تو ضرور ٹرائی کریں. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مائی نیم از ہمنا. ہمنا کیا کرتی ہیں آپ؟ میں جو ہوں جاب کرتی ہوں. جاب کرتی ہیں, کیا جاب کر رہی ہیں, کیا ہیں آپ؟ بزنس ڈیولپمنٹ ایگزیکٹو. بزنس ڈیولپمنٹ, واو. تو کیا ہوتا ہے آپ کی, سارا دن ٹف روٹین رہتی ہے؟ یا اٹس نائس بٹ اٹس ٹف. چلے جی اوکے, آپ سے سوال کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو کچھ کہنا چاہوں گی, یو لک ریئلی بیوٹیفل. تھینک یو سو مچ. چلے جی مجھے بتائیں کہ جو برائڈ کو دلہن کہتے ہیں تو اس کو دلہن کو برائڈ کیوں کہتے ہیں؟ برائڈ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ یہ 90% 95% لوگوں کو نہیں پتا. برائڈ کے لفظی معنی کیا؟ ایون آئی تھنک دس از دا اونلی کوشچن جو مجھے بھی آج ہی پتا چلا. آئی تھنک برائڈ سے برائڈ, وہ کام بھی بہت کرتی ہے گھر میں, وہ مین کام اکثر سوال رشتے میں پوچھتے ہیں, یہ کام آتا ہے. سوگڑ. یہ سوگڑ کیا ہوتا ہے؟ ٹپیکل وہ ورڈ ہوتا ہے نا انگلش میں ہی. ہو سوچیں کیا ہے. کوکنگ. کوکنگ سے ریلیٹڈ کیا ہوا پھر؟ شیف ہے آپ. شیف کوک. رائٹ, یو آر کلیپنگ کرو, ویری انٹیلیجنٹ. چلے جی, برائڈ کی, برائڈ کو اس لیے کہتے ہیں؟ ہاں برائڈ کو کک کہتے ہیں. واؤ. اور اچھا کتنے شوق سے لڑکیاں کہہ رہی ہوتی ہیں ہمیں برائڈ بننا ہے, ہمیں کک بننا ہے. کیا شیئر کریں گے آپ ہم؟ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کوئی ریسیپی یا سانگ. آج میں آپ کو نا ایک سانگ سناتی ہوں, پلیز آپ بتا دیں کون سا گاؤں. اوکے. سندرتا سادگی کی مورت ہے, دیکھو لینا لودھی ہارون کتنی خوبصورت ہے. تھینک یو سو مچ ہمنا, لارڈ نیوز کی طرف سے آپ کے لیے تھینک یو سو مچ. جی بہت ہی پیاری, بہت ہی زیادہ پیاری لڑکی تھی ہمارے ساتھ, بڑا مزہ آیا, ہم نے ان سے بات کی, بہت کانفیڈنٹ تھیں وہ اور انہوں نے جواب بھی صحیح آ گیا. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے لینی پڑے گی آپ سے اجازت. آج آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا, بہت مزہ آیا. علی برٹھی مارکیٹ میں بہت زیادہ جو ہے وہ آج رش تھا, سردیاں بھی کیونکہ آ گئی ہیں تو بڑا زیادہ جو ہے وہ زبردست قسم کا ماحول بنا ہوا تھا. اوکے, آپ کے جو دو سوال ہیں, برائڈ کو, دلہن کو انگلش میں برائڈ کیوں کہتے ہیں, برائڈ کا مطلب کیا ہے, یہ کافی لوگوں کو نہیں پتا تو میں بتاتی ہوں. برائڈ کا مطلب ہے کک, یعنی کہ کھانا پکانے والا. اور بڑے شوق سے کہہ رہی ہوتی ہوں میں تو برائڈ بننا ہے, اب آپ دیکھ لو اس کا مطلب ہے کک. چلے جی, دوسرا جو ہے آپ کا سوال, وہ کون سا پرندہ ہے جس کا آئی بال موو نہیں کرتا, وہ اپنی گردن کو موو کرتا ہے؟ تو وہ ہے آؤل. تو وہ آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے, اسی طرح مجھے, میرے پروگرام کو, ہم سب کو پیار کرتے رہنا ہے. میرا پروگرام بوجھو تو جیتو تھرسڈے ٹو سنڈے شام کو 7 بجے دیکھنا ہے. مجھے علینا ہارون کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.